नंबर 48 पे आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वैराइटीज के जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट सीजन में ही उगाए जाते हैं। रवि क्रॉप्स लाइक वीट, बेरली, ऑट्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज एंड बाजरा आर ग्रोन इन मानसून सीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो क्रॉप्स है, टू टाइप के क्रॉप्स बताए गए हैं, एक रवि क्रॉप्स और सेकंड खरीफ क्रॉप्स। जो रवि क्रॉप्स होते हैं बच्चों, वो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे आपका वीट हो गया, ऑट्स हो गया, बेरली हो गया, ये इस प्रकार के जो रवि क्रॉप्स हैं ये आपका विंटर सीजन में उगाया जाता है। और जो खरीफ क्रॉप्स हैं लाइक राइस, मेज एंड बाजरा आर ग्रोन इन मानसून सीजन। तो अब बताया गया है कि नाउ कैन यू आंसर, क्या आप आंसर कर सकते हैं व्हाई राइस इज नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। जो राइस है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जाता है? तो देखिए बच्चों, इसका रीज़न ये है, इसका आंसर ये होगा कि जो राइस है विंटर सीजन में, जो वाटर का जो है अमाउंट, पानी की मात्रा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, और जो राइस में है पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो इसी कारण और थोड़ा क्लाइमेट उसके वजह से, कंडीशन की वजह से जो है इसे विंटर में हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब है द मार्केट। The six from the Gurneys are taken to their final destination, the market, through different means of transport. There are different wholesale markets for different food items. Small farmers generally sell their produce directly in the local market. The big farmers take their produce to the wholesale market, mandi. From the mandis, food is bought by retailers and vendors to sold at their shops or in the local areas, with the final consumer by the different food items from the retailers and vendors. Now you know the long journey of food and how it finally reached your kitchen and your plate. You then enjoy this food with your family. तो आप सभी को पता चल गया होगा बच्चों कि ये जो food journey का इतना लंबा process जो आपने आज पढ़ा, कि आपके पास ये किस तरीके से आपके किचन में और आपके प्लेट में जो आप भोजन खाते हैं वो किस प्रकार से आपके पास आता है, और आप सभी उसके बाद आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खाकर उस फूड को खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, देखो यहाँ पे लाइफ लेसन में कुछ दिया गया है, गिव अवे द एक्स्ट्रा फूड टू द पुअर एंड नीडी बिकॉज वेस्टिंग फूड इज लाइक स्टीलिंग फूड फ्रॉम द हंग्री। So many people efforts in producing and making food available to you. It is our duty not waste. तो आपको पता चल गया कि कितने सारे लोगों का efforts होता है, जो भी हम खाना भोजन खाते हैं उसको grow करने में कितने सारे लोगों का efforts होता है। तो इसीलिए हमारी duty बनती है कि हमें इस food को waste नहीं करना चाहिए, हमें जितना खाना हमें plate में उतना ही लेना चाहिए, हमें extra food नहीं लेना चाहिए। यदि आपके घर में extra food है तो जो भी है, हंग्री लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको हमें दे देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए थोड़े से भी खाने का। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी एक्सरसाइजेस मैंने आपको सेंड कर दी है, तो आप इसको कम्प्लीट कर लेंगे।